नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करने वाले हैं कि भगवान से हमें जो मनोकामना है, भगवान से जो हमें मन्नत मांगनी होती है, वो कैसे मांगना चाहिए, भगवान के सामने से मांगना चाहिए या पीछे जाकर जो परिक्रमा मार्ग होता है उसके पीछे का जो पोर्शन होता है, यानी भगवान की पीठ के पीछे जो दीवार होती है उससे सट के हमको मन्नत मांगनी चाहिए, किस प्रकार से हमें मन्नत मांगनी चाहिए, किस प्रकार से हमें मनोकामना हमारी मांगना चाहिए, यही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी ये बात जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हमें भगवान के सामने मनोकामना किस प्रकार से मांगना चाहिए, या कह सकते हैं भगवान से हमें मनोकामना किस प्रकार से मांगनी चाहिए। अक्सर दो स्थान ऐसे बताए गए जहाँ से लोग मनोकामना अपनी मांगते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं। एक तो भगवान के सामने, जैसे हम मंदिर में प्रवेश करते हैं, मंदिर में प्रवेश करने के बाद जहाँ पे भगवान जी की जो विग्रह होता है, जहाँ पर भगवान जी की मूर्ति होती है, उनके सामने बैठकर हम आंखें बंद करके प्रणाम करके उनसे जो भी मन्नत मांगनी होती है वो हम मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पीछे जाकर, यानी कि मंदिर के पीछे जाकर या जो गर्भगृह होता है उसके पीछे जाकर, जो परिक्रमा जहाँ पर हम करते हैं उस परिक्रमा मार्ग में जो पीछे का स्थान होता है जहाँ पर भगवान की पीठ होती है, उस दीवार से लगकर या उस दीवार के साथ खड़े होकर वहाँ से मन्नत मांगते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो साइड वाली जो दीवार होती है उससे पास, उसके पास जाकर भी मन्नत मांगते हैं। वो ऐसा, उनको ऐसा लगता है कि भगवान के जितने नज़दीक जाकर हम मांगेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि भगवान का जो फ्रंट होता है, यानी जहाँ पर भगवान का जो सामने होता है, वो काफ़ी दूर भगवान वहाँ पे बैठे रहते हैं, और आइट साइड से जाएंगे तो हमको पास लगेंगे और पीछे जाएंगे तो और भी पास लगेंगे। तो उनको ऐसा लगता है कि भगवान के करीब जाकर अगर हम कोई मनोकामना बोलेंगे तो वो जल्दी सुन लेंगे, ऐसा मानना रहता है लोगों का। इसलिए कोई लोग पीछे जाकर मनोकामना मांगते, कुछ लोग साइड में जाकर मनोकामना मांगते और कुछ लोग सामने से जाकर मनोकामना मांगते हैं। तो आखिर वो सही क्या है, कि कौन सी जगह ऐसा, कौन सा स्थान ऐसा है जहाँ पर हमें भगवान सबसे पहले सुन लेंगे और हमारी मनोकामना जो है, हमारी जो मन्नत है वो मान लेंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक चौपाई बताता हूँ जो कि तुलसीदास जी ने रामायण में लिखी है। उसमें लिखा है कि सन्मुख होए जीव मोहि तब ही, सन्मुख होए जीव मोहि तब ही, जन्म कोटि अध नाशहि तब ही। यानी कि जीव जब मेरे सन्मुख होता है, जीव मतलब कोई भी मनुष्य जब मेरे सन्मुख होता है, मेरे यानी भगवान कह रहे हैं कि जब भी कोई जीव मेरे सन्मुख होता है तब मैं उसके करोड़ों वर्ष के जो पाप होते हैं या कोटि वर्ष के जो पाप होते हैं उनको मैं नष्ट कर देता हूँ। तो इस बात से, यानी इस चौपाई से ये सिद्ध होता है कि हमें भगवान के सामने बैठकर उनसे मनोकामना मांगनी चाहिए, ना कि पीछे जाकर, ना कि साइड में जाकर। फिर से सुनिए जो चौपाई है वो क्या है। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, जन्म कोट अध नाशहि तब ही। ठीक है, सन्मुख, जीव जब सन्मुख होता है, भगवान ऐसा कहते हैं कि जीव मेरे जब सन्मुख होता है, सन्मुख आकर मुझसे कुछ बोलता है या सन्मुख आ भी जाता है तो भी मैं उसके कोटि जन्म के पाप को नष्ट कर देता हूँ। अर्थात हमें भगवान के सामने जब भी हमारी कोई अर्जी लगाना हो, जब भी हमें कोई मनोकामना मांगना हो, जब भी हमें कोई मन्नत मांगना हो या कुछ भी, भगवान के सामने जब भी हम मंदिर में जाएं तो हमें उनके सन्मुख ही बैठकर भजन करना चाहिए या उनके सन्मुख बैठकर ही कुछ मांगना चाहिए। उनके सन्मुख बैठकर ही हमें चालीसा या जो भी कुछ आप करते हैं वहाँ पर, तो उनके सन्मुख बैठकर ही करना चाहिए। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतने, मिलते हैं नए विषय के साथ। तब तक आप एक खुश रहो, मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।